भारद्वाज, राघवा एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 2020 के राशिफल के रूप में तोहफा लाई हूँ, जिसमें आप सब जानेंगे कि क्या इस नए साल में आपको नौकरी मिलेगी, या आपकी विदेश यात्रा होगी, या आपका विवाह होगा, या आपको मनचाहा साथी मिलेगा। हमारा ये राशिफल चंद्रमा की राशि पर निर्भर करता है। आपकी जो चंद्रमा की राशि है, उसी के हिसाब से आप अपना राशिफल देख सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि के बारे में। इस साल शनि का गोचर आपकी ही राशि में करने जा रहा है। साढ़े साथी का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, धोखे से बचने के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि ये शनि इस साल आपको सोने की तरह तपाएगा और निखार भी लेकर आएगा। अब आपकी मर्जी है कि क्या आप तपना चाहते हैं और अपने जीवन में निखार चाहते हैं, तो सब्र रखिएगा, मेहनत और संघर्ष से घबराइएगा नहीं। अगर जीवन में बाधाएं आ रही हैं तो उसका डट के सामना कीजिएगा, क्योंकि शनि आपके सामने बहुत ही बाधाएं इसीलिए ला रहा है क्योंकि वो आपको परखना चाहता है कि आप इतने पानी में हैं या नहीं कि अपने जीवन को कामयाब बना सकते हैं। बात करते हैं आपके व्यापार की। व्यापार के लिए ये साल बहुत बढ़िया जाने वाला है, लेकिन साल के मध्य में सावधानी भी रखनी है। किसी पुराने व्यापार को लेकर मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे। हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करे वो बीच में ही अटक जाए और आपका बहुत ही निवेश लगा हो जिसके लिए भी आप परेशान भी हो जाए। ध्यान रखिएगा, किसी की बातों में आकर इस दौरान नया काम शुरू न करिएगा और ना ही किसी को इतना पैसा दे दीजिएगा और ना ही किसी के साथ कोई ऐसा वादा कर दीजिएगा जो आप समय के अनुसार पूरा न कर पाए। विदेश से भी आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं जिससे कि आपकी अच्छी इनकम और आय शुरू हो जाएगी, और ये प्रोजेक्ट अगर आपका समय से पूरा हो गया तो आपको आपके लिए आगे की डील के लिए भी बहुत ही सुनहरे अवसर खुल जाएंगे, जिससे आपकी आय बहुत ही बेहतर हो जाएगी। राहु का इस वक्त में छठे भाव में ही गोचर कर रहा है, जो नौकरी के लिए बेहतर है, लेकिन अपने कुलीग्स और अपने साथ काम कर रहे लोगों के साथ जरा बना के रखिएगा, क्योंकि राहु के यहाँ गोचर होने से वो आपके मुंह पर तो आपके रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी राजनीति भी खेल जाए जो आपकी पीठ पीछे आपकी बॉस या आपके सीनियर से आपकी बुराई भी कर डाले। अपने दिल की या ऑफिस की कोई भी बात उनसे शेयर ना करिएगा। ध्यान रखिएगा, जो सामने है वो पीछे वैसा नहीं होता है। आपके वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। वैवाहिक जीवन आपका बहुत ही बेहतर जाने वाला है, और वैवाहिक जीवन के बेहतर जाने से हो सकता है कि आपके साथी को कुछ ऐसी उपलब्धि मिले जो आपके लिए भी बेहतर जाएगी, आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। आपको उसकी भावनाओं को समझना है और इसकी उनकी भावनाओं को समझकर ही आप उनका प्रेम भी पा सकते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो राहु का जो गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है, हो सकता है वो प्रेम आपके लिए धोखा भी बन जाए। ध्यान रखिएगा, किसी ऐसे जीवन साथी के चक्कर में ना पड़ जाइएगा जिसकी नज़र आपकी भावनाओं के खेलने पर हो और आपकी जेब पर हो। बहुत ही सूझबूझ कर आगे कदम बढ़ाइएगा। अगर आप उनके साथ किसी यात्रा में जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, वह आपका किसी तरह से फ़ायदा भी उठा सकता है। स्वास्थ्य के लिए ये साल कुछ गड़बड़ जाने वाला है। कोई पुरानी बीमारी आप पर हावी हो सकती है। सिर दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन को लेकर अगर आप पहले से ही परेशान हैं तो शनि का ये गोचर आपको और भी परेशान कर सकता है। समय पर इलाज करवाते रहिए, लापरवाही न कीजिएगा, क्योंकि पुरानी बीमारी बढ़ते देर नहीं लगेगी, जिससे कि आप आगे आने वाले जीवन में जो नया काम करना चाह रहे हैं या जो नया उत्साह बन रहा है वो भी आपका कमज़ोर हो जाएगा। इससे बचने के लिए आप कुछ उपाय कीजिए। हर शनिवार को गरीब लोगों को काला सफ़ेद कंबल दीजिए और छोटे छोटे बच्चों को जूते दिलाइए। साथ में ही हर बुधवार को गाय को हरा चारा भी दीजिए, जिससे कि आपको संघर्ष से लड़ने की ताकत भी रहेगी, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। इसी के साथ हमारा 2020 राशिफल समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक का बटन भी अवश्य दबाइएगा। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी या न्यूमरोलॉजी से जुड़ी कुछ और जानकारी हासिल करना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में आप अपने सवाल जरूर दीजिएगा। मैं भरपूर कोशिश करूँगी कि आपके सभी सवालों का जवाब भी दूँगी और आपके कहे अनुसार नई वीडियोज़ भी बनाऊँगी। नमस्कार।